यह है ब्लैक मांबा, दुनिया का वो सांप जिसे कुछ लोग साक्षात यमराज भी कहते हैं, क्योंकि ब्लैक मांबा के काटने से अफ्रीका में हर साल 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। वैसे तो पूरी दुनिया में करीब 3500 तरह के सांप पाए जाते हैं और इनमें से केवल 600 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। इन सांपों में भी ब्लैक मांबा सबसे जहरीला सांप है। ब्लैक मांबा का कहर ऐसा है कि इसके सामने से निकलने वाले जंगली जानवर भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे जहरीले सांप ब्लैक मांबा के बारे में कुछ रोचक बातें। ब्लैक मांबा को दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। यह इतना जहरीला होता है कि इसकी सिर्फ दो बूंदे किसी भी जीव को मार सकती है, क्योंकि इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन से मिलकर बना होता है, जो कि हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को फेल कर देता है। बात करें इसकी स्पीड की तो ब्लैक मांबा रेंगने के मामले में दुनिया के दूसरे सांपों से बहुत ही आगे है, क्योंकि ये सांप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। ये इतना अधिक आक्रामक होता है कि खतरा महसूस होने पर यह कुछ ही सेकंड में लगातार 10 से 12 बार काट सकता है, जिसके कारण शिकार के शरीर में 400 मिलीग्राम तक जहर छोड़ देता है। वैसे तो ब्लैक मांबा का रंग काला नहीं होता है, बल्कि हल्के भूरे, ऑली ग्रीन और ग्रे रंग का होता है, लेकिन इसे यह नाम इसके मुंह के अंदर गहरे नीले भाग के लिए दिया गया है। ब्लैक मांबा अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, जो झाड़ियाँ और पेड़ों पर रहना पसंद करता है। बात करें इसकी लंबाई की तो यह 14 फीट लंबे हो सकते हैं। आमतौर पर जंगलों में ब्लैक मांबा कम से कम 11 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन कैद में रहने वाले ब्लैक मांबा का जीवन काल 20 साल से भी ज्यादा होता है। यह सांप आमतौर पर छोटे छोटे जीव जंतु और पक्षियों का शिकार करना पसंद करता है। इस सांप का शिकार करने का तरीका भी अन्य सांपों से अलग होता है, क्योंकि सबसे पहले यह अपने शिकार का तेजी से पीछा करके उसे पकड़ता है और फिर उसके अंदर अपना पूरा जहर छोड़ देता है, जिसके कुछ देर बाद जैसे ही उसका शिकार पैरालाइज होकर मर जाता है तब उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सांप अपने से 4 गुना बड़े जीव को भी अपना शिकार बना लेता है।